भाई यहाँ से हवा बहुत तेज चल रही है और यहाँ से जो नजारा है भाई साहब एकदम। तो भाई यहाँ से हो गया रास्ता खराब वाला शुरू। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मेरा जाने का प्लान है भद्राज मंदिर, जो कि देहरादून से जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ से करीबन 52 किलोमीटर है और मसूरी से 10 से 15 किलोमीटर है। और ये जो मंदिर है ये श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का इकलौता मंदिर है उत्तराखंड में। बाइक जा सकती है तो मैं कोशिश करूँगा कि बाइक ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाऊँ, कि मुझे ट्रैक कम से कम करना पड़े, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, मसूरी में थोड़ा ट्रैफिक होता है ज़्यादा। तो 10 बज रहे हैं तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो मैं सिंगल जाऊँगा, पूजा का तो ऑफिस है और कोई मेरे साथ जाएगा पता नहीं, अभी शायद मैंने बोला है एक को, तो देखते हैं जैसा भी होगा तो हम निकलते हैं। चलिए तो जी चलिए निकलते हैं। और अभी पहले मुझे ताई जी के यहाँ जाना है, मतलब जो राहुल भाई है सोनी दी है उनकी ताई जी है, तो उनके यहाँ जाना है, शायद वहाँ पर से कोई मेरे साथ जाएगा। तो पहले उधर चलते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। भैया के पास है ड्यूक भाई साहब, चढ़ाई देख रहे हो कितनी खतरनाक है यहाँ पर। इससे पहले वाली तो हद से ज़्यादा थी, खड़ी थी। और मोड़ देखिए यहाँ पर, तो जी यहाँ पर है वेलकम टू मसूरी। यहाँ पर बाइक का 12 रुपये का टिकट है जाने का। अगर आप उत्तरकाशी से हो या आपकी आईडी है आपके पास तो आप फ्री हो, मतलब अगर आप वहाँ के लोकल हो तो आपके लिए फ्री है। वैसे आपका बाइक का 12 है और का तो पता नहीं मुझे कितना है। तो जी हम रुके हैं अभी मसूरी में, एक ब्रेक लिया है हमने और यहाँ से मैं आपको ये तरह से एक व्यू पॉइंट है, ये पूरे रास्ते में बहुत सारे ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे, तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप आप बोल सकते हो चाय वाय पीने के लिए। और ये देखिए नज़ारा भाई साहब, वो सामने क्या मस्त बना रखा है, फार्म हाउस टाइप का वो सामने। और यहाँ से देखिए हाइट देखिए भाई, गजब नज़ारा एकदम। कालू भाई सही है ना, मस्त भोटिया कुत्ता हमारे यहाँ का पहाड़ों का। हाँ तो जी हम रुके हैं, जगह का नाम नहीं पता मुझे, बट वहाँ से जो है ये मसूरी के लिए एक यहाँ से रास्ता पड़ता है, एक उस साइड से, मैं वहाँ से जा रखा हूँ जो पिछली बार मैं गया था मसूरी, तो मैं उस रास्ते से गया था। अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ये रास्ता जो है ये थोड़ा खाली खाली रहता है तो आराम से इसमें जाएंगे, वो वाला थोड़ा रश ज़्यादा क्योंकि मेन रास्ता है वो। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं लामही देहर माइंस के पास और इस जगह की कहानी सन 1990 से जुड़ी है। कहते हैं कि 50,000 मजदूर गलत तरीके से माइनिंग करते थे, उस वजह से उनकी मौत हो गई। जो मजदूर खदान के पास रहते थे उनके फेफड़ों की बीमारी हो गई थी तो इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये जो जगह है ये हॉन्टेड प्लेसेस में से आती है, उत्तराखंड के जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनमें से एक है ये जगह। तो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा, पैदल हम जाना चाहते नहीं इतनी दूर क्योंकि आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ पर फैमिली है। आए हैं हाथी पाँव में, ये जगह का नाम है। और यहाँ से ना जॉर्ज एवरेस्ट भी दिखता है, वो सामने दिख रहा है ना वो चोटी, वो जॉर्ज एवरेस्ट की है, पर वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हमें भद्राज जाना है क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट में थोड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ पर ट्रैक में। पहला रूट है ये वाला रूट है जॉर्ज एवरेस्ट का, सर जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ से जा सकते हैं हम, बट हमें नहीं जाना है, हमें जाना है ऊपर भद्राज की ओर।
भाई साहब चढ़ाई देख रहे हो यहाँ पर, अभी तो और तीखी आई है एक जगह पर जगह बहुत सही है भाई, शांति बहुत बढ़िया है। और यहाँ देखिए ये साइड नीचे है ना राइट साइड में, ये पूरी खाई है यहाँ से एकदम तगड़ी वाली। तो भाई यहाँ से शुरू है एकदम तीखी ढलान शुरू है यहाँ से, और यहाँ पर ना टेम्परेचर गिर गया है बहुत आके, पीछे क्लाउड एंड था एक पता नहीं कैसे किस चीज़ का था, बट मैं गया था एक बार दूसरी साइड जब मैं पिछली बार आया था तो वहाँ का क्लाउड एंड अलग था, यहाँ का जो क्लाउड एंड है वो अलग था। पर ये देखिए ढलान यहाँ पर भाई साहब, हवा बहुत तेज चल रही है और वो ठंडी ठंडी एकदम। तो भाई हम रुके हैं इस जगह पे, तो ये जो रास्ता है देखिए आप यहाँ से जा रहा है पूरा, और हमें जो जाना है वो जाना है वो सामने चोटी दिख रही है आपको, हमें वहाँ जाना है वो ऊपर एकदम। और यहाँ पर आके ना टेम्परेचर बहुत गिर सा गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और रास्ता अब जो है ये पूरी ढलान है यहाँ से, तो अब देखते हैं कैसे जाते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो यहाँ की जो रोड कंडीशन है वो लगभग ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा टूटा हुआ है ज़्यादा, जैसे ये देखिए नीचे, और यहाँ पर ढलान बहुत तगड़ी है अभी, और यहाँ पर थोड़ा एरिया ठंडा है तो इस वजह से यहाँ पर आप देखिए बुरांस के फूल भी दिखने लग गए हैं, इस साइड पूरे बुरांस ही बुरांस है क्योंकि ये इलाका तो ठंडा है। भाई साहब चढ़ाई देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई, और अगर यहाँ पर आपका अगर इंजन में थोड़ा भी वैसा है ना कि बंद हो जाता है, ज़्यादा लोड नहीं झेल पाता, तब तो भाई आप यहाँ पर समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि आप चढ़ाई देखोगे ना एकदम खड़ी चढ़ाई है एकदम। तो जी अब यहाँ से जो है पूरी चढ़ाई शुरू है, यहाँ से आप देखोगे ना पूरी खड़ी चढ़ाई है, और एक पंगा और हो गया जहाँ पर हम थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचने के लिए रुके थे वहाँ पर क्लाउड एंड की तरफ, तो वहाँ पर जो मेरी लंबी वाली स्टिक है वो भी छूट गई है, तो अब जाते हुए देखते हैं वापस मिल जाएगी तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से बाइक का इम्तिहान शुरू होगा कि कितना चढ़ती है, क्योंकि हम दो जने हैं वेट भी ज़्यादा है, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम रुके हैं एक ब्रेक के लिए, और यहाँ पर देखिए ऊपर व्यू के लिए पूरी सीढ़ी लगा रखी है, ऊपर हम जा सकते हैं व्यू देखने के लिए, तो चलिए ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से दिखाते हैं कैसा लगता है। भाई यहाँ से हवा बहुत तेज़ चल रही है, और यहाँ से जो नज़ारा है भाई साहब एकदम अल्टीमेट है, एक नंबर है एकदम, ये देखिए भाई साहब क्या नज़ारा है। तो भाई ऐसे नज़ारे देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, ऊपर ऐसी जगह पे आना ही पड़ता है। अभी बहुत दिक्कत हुई थी हमें, दरअसल जो चढ़ाई है बहुत तीखी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है रास्ते में, और अभी भी आप देखोगे यहाँ से भी हमें पूरे खड़ी चढ़ाई पे जाना है, और ऊपर का जो ट्रैक है वहाँ पर देखते हैं बाइक जा पाती कि नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं मुश्किल होता है बहुत बाइक ले जाना, पर हम ट्राई करेंगे कि पहुँच जाए बाइक, हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। तो भाई यहाँ से हो गया रास्ता ख़राब वाला शुरू, अभी हमें थोड़ी देर पहले दो स्कूटी वाले मतलब दो एक स्कूटी में एंटॉक में दो बंदे दिखे थे, तो हमने बोला कि चलो भाई वो आ गए हैं तो हम तो जा ही सकते हैं फिर, क्योंकि स्कूटी जब जा सकती है तो बाइक का तो हमारा एमटी का फिर भी थोड़ा ऊँचा है सस्पेंशन, पर यहाँ की कंडीशन रोड की बड़ी ख़राब है। ओके ऊपर तक ही ठीक थी, पर यहाँ से ना थोड़ा ये सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो पत्थर गिरते हैं ना इनमें
गाड़ी फिसलने की बहुत डर रहता है, बहुत ज़्यादा। चढ़ते हुए पता नहीं चढ़ते हुए तो उतरना पड़ेगा यहाँ पर, मुझको तो उतरना ही पड़ेगा चढ़ते हुए। हवा कम लग रही थी? नहीं नहीं, हवा तो सही है एकदम। यहाँ पर वैसे हवा कम चाहिए किसके लिए? यहाँ के लिए ना, ग्रिप पकड़ने के लिए। हाँ हवा कम चाहिए ना। वो देखिए वो सामने दिख रहा है आपको, वो है हमारी मंजिल। तो पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में उधर, बस ये रास्ता कट जाए कैसे भी। आगे आगे और तगड़ी चढ़ाई आ रही है भाई वहाँ तो। और ये देखिए सामने जो पेड़ है, इस पर क्या फूल लगे हुए हैं, थोड़े लाइट पिंक कलर के हैं। और यहाँ पर मैगी पॉइंट आते हुए खाएंगे, अभी नहीं, अभी पहले हम दर्शन कर लें, इसके बाद देखते हैं आते हुए। पर पहले जहाँ पहुँचने वहाँ पहुँच जाते हैं। पर ये रास्ता भाई बहुत मुश्किल है, सिंगल हो तो फिर भी ठीक है, सिंगल में होता है वेट करनी है, पर अभी डबल है तो थोड़ा यहाँ पर वेट का इशू आ सकता है और टायर भी थोड़े स्किड हो रहे हैं। ओके तो जी हमने चढ़ा दी है बाइक ऊपर तक। अब यहाँ से जो है, यहाँ से पैदल ही है, करीबन 150-200 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस पहुँच जाएंगे। तो ये एंड पॉइंट है, बाइक इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है, मंदिर परिसर में गाड़ी ले जाना वर्जित है। तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। पर भाई रास्ता इतना ख़तरनाक रास्ता था, अगर वो तो हमारी जो बाइक है उसका टॉर्क वॉर्क अच्छा है, क्योंकि एमटी का जो पहले और दूसरे गियर की पावर है वो बहुत सही है, अच्छा पुश देती है, तो इस वजह से चढ़ गई, वरना बहुत दिक्कत होनी थी। और मुक्की भाई ने बहुत बढ़िया चलाई है भाई। तो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, चलिए। तो भाई शूज़ हमने उतार दिए हैं, शूज़ उतार के हमने वहाँ रख दिए हैं, तो यहाँ तो नंगे पैर ही जाना है। ओह ठंडा ठंडा लग रहा है पैर में बहुत। तो जी ये देखिए मंदिर के पहले दर्शन, और भाई मंदिर मस्त मार्बल से सज रखा है, पूरे वाइट मार्बल से। और यहाँ पर ना पैर में थोड़े पत्थर चुभ रहे हैं मेरे। हाँ तो चलिए आपको पूरा परिक्रमा करके दिखाते हैं मंदिर को। भद्राज मंदिर के बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है, जो कि समुद्र तल से करीबन 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ साहित्य पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह मंदिर ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है, लोग यहाँ पैदल ट्रैकिंग काफ़ी पसंद करते हैं। यह दून घाटी का प्रसिद्ध ट्रैकिंग क्षेत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है। भाई जो पूरा मंदिर है, पूरा आप देखोगे जो मार्बल होता है ना उससे बना हुआ है, और एकदम वाइट है, और इतना सही शाइन हो रहा है ना, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये टॉप पे है तो यहाँ पर सनलाइट बहुत सही आ रही है। यहाँ देखोगे सूरज हमारे सर पे है और उस वजह से पूरा मंदिर चमक रहा है, और जो रोशनी है उससे आँखें भी एकदम चंदिया रही है, और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद फिर नीचे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगने वाला है, रास्ता वैसे भी
ऊपर जाते सॉरी नीचे हम अब वापस जो घर जाएंगे वो ज़्यादा ख़राब था। अभी आपने देखा होगा आते हुए ऊपर तो चढ़ जाती है पर नीचे आने में और दिक्कत होती है, ऊपर नीचे ऐसे ही। तो भाई दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब हम चलते हैं नीचे की ओर। और अभी समय हो रहा है, एक सेकंड रुकिए, अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो 3 घंटे में आने में लगे थे, तो देखते हैं जाने में कितने लगते हैं। भूख लग रही है तो देखेंगे, अगर मैगी खा पाए तो खा लेंगे, वरना सीधा फिर घर की तरफ ही चलते हैं। ऐसा भी देखिए ढलान, एकदम तीखी ढलान है। थोड़ा सा भी ब्रेक अगर ख़राब हो ना बंदा सीधा नीचे जाएगा एकदम। यहाँ इंजन भी बंद कर दिया हमने, मतलब गाड़ी बंद कर दी, अभी ये पूरे टाइम न्यूट्रल चलेगी नीचे तक। इस गाड़ी में मेरे को तो पता नहीं लग नहीं रहा, मेरे को तो दिक्कत हो रही चलाने में, अपनी गाड़ी होती तो शायद इसमें बहुत दिक्कत होती। तो जी हम रुके हैं, JNS कैफ़े है ये, दरअसल अभी रास्ते से ही आ रहे हैं ना, वहाँ से आ रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई अब यहाँ पर आए तो चाय वाय कुछ पी लेते हैं, तो चाय हमने ली है क्योंकि जो चाय है 30 की है, मैगी 50 रुपये की है, तो भाई 50 रुपये में खर्च नहीं करना चाहता। और सबसे ज़्यादा मिस मैं अपने जो स्टिक है ना मेरी जो खो गई है वहाँ पर छूट गई है उसको कर रहा हूँ, क्योंकि वो खो गई है, अगर वो होती तो बहुत सही व्यू आता है ना मस्त, क्योंकि जो रास्ता है उसमें जो ऊपर का जो व्यू आता है वाइड एंगल में बहुत अच्छा आता है, पर वही है कि वो खो गई है तो काम ऐसे चलाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर टाइम लैप्स लगा रहा था पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, कोशिश करते हैं कि लग जाए क्योंकि टाइम लैप्स बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर, फिर भी ट्राई करते हैं जब तक हो सकता है। तो जी हमारी चाय आ गई है और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि टाइम लैप्स लगाने को नहीं हो पा रहा, तो ये 3 बार गिर चुका है, इसमें स्क्रैच भी लग चुके हैं अब पीछे की तरफ से, इसके जो वहाँ पर जो रबड़ वाली बॉडी है इसकी उसमें, तो अब मैं नहीं लगा रहा कि बार बार इसका वो भी टूट गया अभी साइड में जो होता है जैक। तो चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं क्योंकि थोड़े हम 3 बज चुके हैं, लेट हो जाएंगे वरना। तो भाई अभी हम रास्ते से जा रहे थे यहीं से, तो अभी हमें एक मस्त चीज़ दिखी है, ये देखिए भाई अंकल ने, देखिए जो पेड़ है ना इसमें पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई, बकार्डी हो गई सब है यहाँ पर, बेयर भी। और ये जो नज़ारा है ये देखिए, यहाँ पर एक कैंप भी छोटा सा टेंट भी डाल रखा है कैंपिंग के लिए, आप कर सकते हो, ओपन स्पेस है, बहुत सही चीज़ है भाई। तो जी हम आ गए हैं उसी जगह जहाँ पर शायद मैंने अपनी सेल्फी स्टिक गिरा दी थी, पर मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही, लग रहा है किसी और ने उठा दी होगी या तो, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। तो भाई सेल्फी स्टिक तो नहीं मिली, अब वो मिली भी नहीं, शायद कहीं रास्ते में गिरी हुई है, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आए हैं तो शायद किसी और को मिल गई होगी, तो चलते हैं घर की तरफ जैसा भी होगा। तो जी अब हम मेन रोड में एंटर हो चुके हैं, तो अब यहाँ से जो है हमने गाड़ी ऑफ कर दी है यहाँ पर से, अब गाड़ी ऐसी चलेगी बंद हो गया न्यूट्रल पे कि हमने इंजन भी ऑन नहीं किया, बंद कर दिया पूरी गाड़ी को, अभी पूरी ढलान है, अब गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। और लोगों को देखिए सब जा रहे हैं ऊपर,